आईपीएल 2023 का एक और महामुकाबला लखनऊ सुपर जायंट्स और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के बीच खेला जाना है। ये मुकाबला बेंगलुरु के एम चंदा स्वामी स्टेडियम पर खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए दोनों टीमों के कप्तानों ने अपनी अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि आखिरकार आरसीबी और लखनऊ की इन 11 खिलाड़ियों के साथ मैदान पर उतरेगी, साथ ही कौन सा होगा इम्पैक्ट प्लेयर। इसके अलावा इस मुकाबले की मैच प्रेडिक्शन भी हम आपको बताने वाले हैं और साथ ही बताएंगे कि ये मुकाबला कितने बजे शुरू होगा। इस मुकाबले से जुड़ी तमाम जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। तो दोस्तों बने रहे वीडियो के पूरे आखिर तक। और साथ ही आप भी चाहते हैं कि इस मुकाबले में आपकी फेवरेट टीम शानदार जीत दर्ज करे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। और साथ ही साथ आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों लखनऊ की टीम के बारे में बात करें तो इस टीम ने 3 में से 2 मुकाबले में शानदार जीत दर्ज की है और पॉइंट्स टेबल में भी ये टीम नंबर 2 पर पहुंच गई है। लखनऊ की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहां पर काबले मायर और केएल राहुल पारी की शुरुआत करते हुए नजर आएंगे, जबकि नंबर 3 पर दीपक उतरेंगे तो नंबर 4 पर इस टीम की तरफ से कृणाल पांड्या खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं पर नंबर 5 पर मार्कस स्टोइनिस उतरेंगे तो नंबर 6 पर खेलते हुए नजर आएंगे निकोलस पुरन, जबकि दोस्तों नंबर 7 पर हमें खेलते हुए नजर आएंगे आयुष बदोनी। तो वहीं पर नंबर 8 पर अमित मिश्रा को मौका मिलने वाला है, जबकि नंबर 9 पर जयदेव उनाडकट तो नंबर 10 पर रवि विश्नोई खेलते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं पर नंबर 11 पर मार्क वुड खेलते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों इस टीम के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर यश ठाकुर मौजूद रहेंगे, जबकि दोस्तों बल्लेबाज में ऑप्शन प्रेरक मांकड़ का भी रहने वाला है। वहीं पर दोस्तों दूसरी तरफ रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के परफॉर्मेंस की हम बात करें तो इस टीम ने एक मुकाबले में जीत दर्ज की है, तो वहीं पर दूसरे मुकाबले में शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा है। ये मुकाबला दोस्तों आरसीबी के होम ग्राउंड पर होने वाला है, तो ये टीम जरूर इस मुकाबले में कमबैक करना चाहेगी। तो दोस्तों रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो यहां पर इस टीम की तरफ से एक बार फिर 2 विस्फोटक बल्लेबाज फेफ डुप्लेसिस और विराट कोहली पारी की शुरुआत करेंगे। वहीं पर इसके बाद नंबर 3 की हम बात करें तो यहां पर माइकल ब्रेसवेल को एक बार फिर से नंबर 3 पर उतरने का मौका मिलेगा। इसके बाद दोस्तों नंबर 4 पर एक बार फिर ग्लेन मैक्सवेल खेलते हुए नजर आएंगे। इसके बाद 5 नंबर पर दिनेश कार्तिक उतरेंगे तो नंबर 6 पर शाहबाज अहमद उतरने वाले हैं, जबकि दोस्तों नंबर 7 पर डेविड विल्ली उतरेंगे तो नंबर 8 पर कर्ण शर्मा उतरने वाले हैं, नंबर 9 पर हर्षल पटेल उतरेंगे तो नंबर 10 पर आकाशदीप उतरने वाले हैं, जबकि नंबर 11 पर मोहम्मद सिराज खेलते हुए नजर आएंगे। अब दोस्तों इस टीम के इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो पिछले मुकाबले में अनुज रावत को इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर मौका दिया गया था, लेकिन इस मुकाबले में अगर ये महिपाल लोमरोल को मौका देते हैं जो कि काफी शानदार बल्लेबाजी कर सकते हैं तो वो बेहतर ऑप्शन इस टीम के लिए होने वाले हैं। वहीं पर दोस्तों अब हम आते हैं मैच के प्रेडिक्शन की तरफ कि आखिरकार इस मुकाबले में कौन सी टीम जीतेगी। तो दोस्तों इस मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर का पलड़ा भारी रहेगा। आपके हिसाब से ये मुकाबला कौन जीतेगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।